देखिए जनाब, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाएंगे कि नहीं मैं तो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करता हूं, कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं सकते हैं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। ऐसे हजारों लाखों बल्कि अगर आपको ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिल रहा है, आप सेकंड स्कूल आ सकते हैं। सेकंड स्कूल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दिल के दरवाजे, मेरे इंस्टीट्यूट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम से कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में पढ़ा दिया जाएगा अगर आप मेधावी छात्र हैं। आपको बहुत सारे गांव के बच्चे ऐसे हैं या फिर छोटे शहर के बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक सबसे अहम सवाल ये होता है उनके सामने कि अगर हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? क्या शिक्षा फिर उनका अधिकार नहीं है? तो मेरा मानना है कि शिक्षा सबका अधिकार है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए, बड़े बड़े कोचिंग में जाने के लिए पैसा नहीं होता और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो सच में लाइट है पढ़ने के लिए और जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ये इस वीडियो को हर उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा, है ना। आइए बातचीत करते हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में 5 ऐसे सॉल्यूशन दूंगा जिसको जानने के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं भी है फिर भी आप बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के बारे में बातचीत करने के लिए इसलिए एलिजिबल हूं क्योंकि मैं ऐसे ही परिवार से बिलोंग करता हूं जहां हम अच्छा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने यही 5 चीजें देखी थी अपने जिंदगी में और फिर मैं यहां तक पहुंच पाया। आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहला आप ये देखिए, स्कॉलरशिप के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला आप ये देखिए कि क्या आपके आसपास ऐसी कोई सुविधा है, ऐसा कोई कोचिंग है जहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट दीजिए। क्या ऐसा कोई स्कूल है जहां पे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है, आप उसका टेस्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप गेन करने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जहां पे 90-99% तक स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं जरा सा भी और आप अगर आप उस छात्रवृत्ति परीक्षा में अच्छा कर जाते हैं तो कम से कम पैसे में आपको पढ़ा दिया जाता है। दूसरा सॉल्यूशन, आइए एक एक पॉइंट पे बातचीत करेंगे, देखिएगा अच्छे से। दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने किया था, क्योंकि ऐसा हमारे शहर में अवेलेबल नहीं था, बहुत छोटे शहर से जो बच्चे होते हैं ना, वहां पे छोटे शहरों में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थानें नहीं होती हैं और अगर होती भी है तो स्कॉलरशिप नहीं देते हैं वो। तो दूसरा जो मैंने देखा था कि आप कुछ ऐसे ट्यूटर्स को अपने शहर में या फिर अपने आसपास ऐसे ट्यूटर्स, ऐसे टीचर को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, एक इंसान, एक बच्चा अगर पूरे मन से किसी टीचर से मिलकर ये कहे कि मेरे पास पढ़ने को पैसा नहीं है, एक अच्छा टीचर उस बच्चे को कभी मना कर ही नहीं सकता, वो उसको जरूर पढ़ाएगा। और मेरे जिंदगी में ऐसे ही एक शिक्षक थे, उनका नाम पंकज झा सर है और वो मुझे मिले, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ गई और उन्होंने उनसे बातचीत की कि देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस चौपट हो चुका था और मेरे पिताजी खेती करने लगे थे। तो वो उनके पास गए और पंकज सर ने क्या किया कि मुझे कहा कि आप आराम से, मेरी माँ को कहा उन्होंने कि आप आराम से बच्चे को भेजिए, हम इसको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो वैसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं तो ऐसे गुरु को आप ढूंढिए, ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे, बस आप कोशिश करके देखिए। जैसे पंकज सर एक ही नहीं है, जो अच्छे टीचर, हर अच्छे टीचर में पंकज सर होते हैं, आप एक बार बातचीत करके देखिए। तो मुझे ही मिल गए थे तो आपको भी मिल जाएंगे। और अगर कोई बच्चा डाल्टनगंज है या फिर 10 किलोमीटर रेडियस के आसपास है, अगर आपको ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिल रहा है, आप सेकंड स्कूल आ सकते हैं। सेकंड स्कूल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दिल के दरवाजे, मेरे इंस्टीट्यूट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम से कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में पढ़ा दिया जाएगा अगर आप मेधावी छात्र हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल आईडी भी दे दिया जाएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, secondschoolinstitute@gmail.com है। तो अगर ऐसे बच्चे जो इधर इस एरिया से बिलोंग करते हैं और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे अच्छे कोचिंग में जाना या फिर महंगे महंगे कोचिंग में जाके पढ़ना, तो आप सेकंड स्कूल में आ सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। आइए तीसरे पॉइंट पर बातचीत करते हैं। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके आसपास कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं। हर गली गुच्चे में, हर सोसाइटी में, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके सीनियर होते हैं। अगर आप उनके पास बैठ के, मान लो कि कोई डाउट आ रहा है आपको पढ़ने में, अगर आप उनके पास बैठ के वो डाउट पूछ ले तो आपको नहीं बताएंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। मेरे भी बहुत सीनियर ने मुझे मदद करी है ना मेरे डाउट को सॉल्व करने, मुझे पढ़ाने में। तो जब आप सीनियर के पास बैठ के सीखते हैं तो आपको वो जरूर मदद करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, बल्कि ना के बारे में पैसा लगता है, मदद तो कोई किसी भी की भी कर देता है।
और वैसे ही सीनियर से कोशिश कीजिए, चौथा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, वैसे ही सीनियर से कोशिश कीजिए कि उनके जो पुराने बुक्स होते हैं, जैसे मान लो किसी के पास केमिस्ट्री की बुक नहीं है, आप बोरो कर लीजिए उनसे, किताब मांग लीजिए, किसी के पास फिजिक्स की बुक नहीं है वो फिजिक्स का किताब मांग लीजिए, तो वैसे ही सीनियर से आप देखिए कि क्या वो आपको किताब दे सकते हैं। भाई मुझे बहुत लोगों ने किताब दी है, मुझे तो आज भी अगर मैं नाम लेने लगूं तो मैं, मेरे पास नाम बहुत है, मैं वीडियो एक घंटे का हो जाएगा, इतने लोगों ने मेरी मदद की है। तो वैसे बच्चे जो यार पढ़ने में बहुत अच्छे है ना, पैसा बीच में बाधा नहीं बनता, दुनिया बहुत अच्छी है, आप एक बार अप्रोच करके देखिए, बुक्स ले लीजिए, पुराने बुक्स ले लीजिए, है ना, अपने सीनियर से मांग लीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप बोलिएगा कि मैं एक साल में पढ़ के आपको लौटा दूंगा, आप तो ये क्लास पढ़ ही चुके हैं, इस किताब की कोई जरूरत नहीं है, अगर पढ़ेगी तो बीच में भी मैं लौटा दूंगा, कोई मना नहीं करता। पांचवा, अगर इन सब में से कोई आपकी मदद नहीं करता तो आप खुद की मदद कीजिए, और भगवान भी उनकी मदद करता है यार जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करने में यकीन रखते हैं, अगर आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे घर में खुद से पढ़ सकते हैं, तो आज YouTube है, YouTube पे इतने सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, YouTube पे बहुत बच्चों को देख के समझ में नहीं आता, मैं मानता हूं उस बात को, क्योंकि आधे अधूरे लेक्चर्स डले होते हैं, कभी ये वीडियो यहाँ है वो वीडियो वहां है, ढूंढने में वक्त लग जाता है, एक्सपीरियंस इंसान तो ढूंढ भी ले, एक नया बच्चा जो अभी जस्ट 10th से 11th में गया वो कैसे ढूंढेगा। तो जब आप YouTube से वीडियो देख रहे हो उसमें आप सीनियर्स की मदद ले सकते हैं, आप हमारी मदद ले सकते हैं, अपने आसपास के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा मदद करने से। तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, अगर आप ये 4-5 तरीके फॉलो करेंगे तो आप बिना पैसे के भी या फिर बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए जनाब, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाएंगे कि नहीं मैं तो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करता हूं, कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं सकते हैं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, ऐसे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों उदाहरण हमारे सिर्फ भारत में मौजूद हैं, जो अंडर प्रिविलेज मतलब छोटे जगह से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, लेकिन सेल्फ स्टडी करके कोई ना कोई जुगाड़ भिड़ा के आज वो जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना, आप YouTube पे जाइए, आप ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी हैं, उनसे कुछ सीखिए, हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होगा, है ना, आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गो।